नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा भले ही सत्ता में वापस आ गई हो, लेकिन जिस हिसाब से मौजूदा हालात हैं, ऐसे में लगता नहीं है कि ज्यादा दिनों तक सरकार असल मायनों में चल पाएगी। ये सुनकर आपके मन में भी ख्याल आ रहा होगा कि शायद जो 20 सीटों पर विपक्ष ने दोबारा वोटिंग की मांग की है, हम उसको लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम बात करने वाले हैं भाजपा के कद्दावर नेता अनिल विज की, जो इस बार के चुनाव में भी बीते सालों में हुए चुनाव की तरह जीत तो गए हैं, लेकिन असल मायने में वो हार गए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा आला कमान ने इस बार उनके साथ खेला कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मनोहर लाल खट्टर की सरकार में बेहतरीन कद रखने वाले अनिल विज को आज सैनी सरकार में छोटे मोटे मंत्रालयों से समझौता करना पड़ रहा है, लेकिन वो इस पर अभी खुल के बात नहीं कर रहे, चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है कि कहीं विच को नजरअंदाज करना या औरों से कम आंकना भाजपा और सैनी सरकार को महंगा ना पड़ जाए। खैर, सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो अनिल विज हरियाणा की राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं और लोगों के बीच में लोकप्रियता भी है। ऐसे में अब लोगों का मानना है कि कहीं अनिल विज की लोकप्रियता सीएम नायब सिंह सैनी से ज्यादा ना बढ़ जाए, इसके लिए उनका कद घटा दिया गया है। बता दें कि वही अनिल विज हैं जो कभी चुनाव के दौरान सीएम बनने की मांग कर रहे थे। चुनाव के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। मैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ विधायक, मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है। इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। मैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। मैं 6 बार चुनाव लड़ चुका हूं, जीत चुका हूं और 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है, परंतु इस बार सारे हरियाणा प्रदेश की जनता के कहने पर मुझे बहुत लोग आकर मिल रहे हैं और अंबाला छावनी की जनता के कहने पर इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना या ना बनाना ये हाई कमांड का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। तो देखा आपने किस तरह से अनिल विज मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाजपा हाई कमान ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। खैर, वो बात अलग है कि विज के इस बयान से के बाद से जो है वो हरियाणा भाजपा में अंदर ही अंदर हलचल तेज हो गई है। इतना ही नहीं, इसका असर चुनाव पर भी देखने को मिला, लेकिन भाजपा ने जैसे तैसे करके इस समस्या का समाधान निकाला और अनिल विज ने अपनी बयान में नरमी बरती। लेकिन चुनाव जैसे ही समाप्त हुआ और चुनावी नतीजे सामने आए तो सवाल खड़ा हो गया कि आखिर सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। अनिल विज दोबारा ना जिद पकड़ ले, इससे पहले ही भाजपा ने उन्हें प्रस्तावक बना दिया। नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव अंबाला कैंट से विधायक अनिल विज और नरवाना के विधायक कृष्ण कुमार बेदी ने रखा। शपथ ग्रहण हुआ, नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन असल खेल शुरू हुआ शपथ ग्रहण के बाद। आपको बता दें कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाने वाले अनिल विज का कद अब घटने लगा है। विधानसभा चुनाव से पहले और नतीजों के सामने आने के बाद एक तरफ जहां अनिल विज गाहे बगाहे मुख्यमंत्री पद का ताल ठोक रहे थे, वहीं अब उनके हाथ से गृह मंत्रालय भी ले लिया गया है। रविवार की देर रात को हरियाणा में सरकार के गठन के बाद मंत्रालय का बंटवारा हुआ। इस दौरान अनिल विज को श्रम विभाग, बिजली विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग सौंपा गया, जबकि इससे पहले उनके पास गृह मंत्रालय जैसे कई अहम मंत्रालय थे, लेकिन अब गृह मंत्रालय सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने पास रख लिया है। शपथ ग्रहण के बाद इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि अनिल विज को सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन मंत्रालय के बंटवारे के बाद अनिल विज को बड़ा झटका लगा है। वहीं सैनी खुद 12 विभागों का कार्यभार संभालेंगे। गृह और वित्त के अलावा वो योजना, आबकारी और कराधान, नगर और ग्राम नियोजन और शहरी संपदा, सूचना, जनसंपर्क और कानून मंत्रालय अपने पास रखे हैं। अब चर्चा का विषय यह है
कि अनिल विज को ट्रांसपोर्ट, लेबर और एनर्जी मंत्रालयों की कमान दी गई है। दरअसल विज पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार में गृह मंत्री थे, लेकिन जब उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया तो नायब सिंह सैनी को हरियाणा की कमान सौंपी गई। इसको लेकर विज नाराज हो गए। वो चाहते थे कि वरिष्ठता के आधार पर उन्हें सीएम पद की जिम्मेदारी मिले, मगर बीजेपी हाईकमान ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद विज ने विधायक दल की बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया और गृह मंत्रालय भी छोड़ दिया और सैनी कैबिनेट में शामिल भी नहीं हुए। इसके बाद से विज लगातार नाराज ही चल रहे थे। उनकी चाहत हमेशा से सीएम बनने की थी। गाहे बगाहे उन्होंने कईयों बार इस बात का जिक्र किया। हाल ही में चुनाव से पहले तक उन्होंने सीएम पद की दावेदारी पेश की थी। सीएम पद को लेकर जब उनसे पूछा गया कि तो उन्होंने कहा कि पार्टी में मैं सबसे वरिष्ठ हूं, अगर हाईकमान ने चाहा तो अगली मुलाकात सीएम आवास पर ही होगी। हालांकि वैसा कुछ हुआ नहीं। नायब सिंह सैनी को इस साल मार्च में जब हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया तब भी विज नाखुश हो गए। विज बीजेपी विधायक दल की बैठक से नाराज होकर बाहर चले गए थे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया। 7 महीने बाद 17 अक्टूबर को पार्टी के लगातार तीसरी सत्ता में लौटने के साथ विज ने नए सैनी मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शपथ ली है। अब जब ना उनका तो रुतबा है और ना अब उनकी वो ठसक ही बची है। चुपचाप खुशी खुशी जो मिला उसे मुकद्दर समझ लिया। दरअसल भाजपा ने जानबूझकर किया है ऐसा, क्योंकि भाजपा नहीं चाहती कि वो किसी ऐसे नेता के हाथों में प्रदेश की कमान दे जो कि उसके गले की फांस बन जाए। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चाहकर भी कभी गृह मंत्रालय अपने पास नहीं रख सके। इसी वजह से खट्टर और विज के बीच लगातार तनातन रहता था। सैनी के पास गृह मंत्रालय तो है ही, उन्होंने अपने पास आबकारी और वित्त जैसे विभागों को भी अपने पास रख लिया है। मतलब साफ है कि सैनी को छोड़कर पूरे मंत्रिमंडल में नंबर दो की हैसियत में कोई नहीं है। ये बात अलग है कि वरिष्ठता को देखते हुए अनिल विज को नंबर दो मान लिया जाए, पर अधिकारों और हैसियत की दृष्टि से विज अब कहीं के नहीं रहे। बीजेपी जो लोग किनारे लगाए जाते हैं उन्हें बिल्कुल ही पार्टी में अवॉइड कर दिया जाता है। देश में कई दर्जन नेता इस समय राजनीतिक वनवास पर जा चुके हैं। अगर अनिल विज को मंत्रिमंडल में जगह मिल गई तो ये भी कम नहीं है। विज को पार्टी संगठन और सीएम नायब सैनी का शुक्रगुजार होना चाहिए, अन्यथा अगर उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो वो क्या कर लेते। फिलहाल विज जब मनोहर लाल खट्टर को हमेशा दबाव पे रखते थे तो नायब सिंह सैनी को वो कितना सम्मान देते। अक्टूबर 2023 में विज ने 372 जांच अधिकारियों को निलंबित करने के लिए पुलिस शीर्ष अधिकारियों को निर्देश देकर सुर्खियों में थे, क्योंकि इन अधिकारियों ने एक साल से अधिक समय से लंबित शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की थी। इसके बाद 100 से अधिक अधिकारी निलंबित किए गए। एक महीने बाद उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप के विरोध में फाइलों को मंजूरी देना और स्वास्थ्य विभाग की बैठकों की अध्यक्षता करना बंद कर दिया। मनोहर लाल खट्टर पुराने दौर के राजनीतिक थे, शायद वो इसलिए विज की बर्दाश्त कर लेते थे। हालांकि प्रदेश का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल विज की पार्टी में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका का मुख्य कारण उनका अंबाला छावनी सीट पर मजबूत पकड़ है। यहां से उन्होंने अब तक 7 बार चुनावी जीत दर्ज की है और 2009 से लगातार 4 बार जीत रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि मतदाताओं में उनकी छवि सबसे सुलभ नेता जो उनके मुद्दों का समाधान करने वाले के रूप में है, चाहे वो पुलिस, राजस्व या शहरी स्थानीय निकाय का विभाग का मामला हो। विज अंबाला में अपने घर पर नियमित जनता दरबार लगा के लोगों की समस्याओं पर मौके पर ही उसका निपटारा कर देते हैं। मतलब है कि अब जिस तरह से भाजपा ने अनिल विज के साथ ऐसा बर्ताव किया है, ये देखने के बाद अटकलों का बाजार गर्म है और देखना ये होगा कि अनिल विज का अगला कदम क्या होगा। लेकिन कहीं अगर विज बगावत के मूड में आ गए तो भाजपा के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।